मेरे को धीरेन जी से एक प्रश्न है, उनकी साइट पे मैंने पढ़ा कि अगर एनपीएस का टायर टू अकाउंट आप नहीं ले रहे हैं तो आप मिस कर रहे हैं कुछ। मेरा एक प्रश्न है कि एनपीएस के लिए जो लिखा था टायर टू के लिए कि उसका जो भी गेन है वो आपकी साल इनकम में ऐड होगा, जो कि डेट फंड में होता है, आपको इंडेक्सिंग का बेनिफिट मिलता है, इंडेक्सेशन का, जो एनपीएस टायर टू में शायद नहीं है। तो क्या ये एडवाइजेबल है सर, टायर टू में डेट फंड की जगह पैसा डालना? जी हाँ, अगर आप इंडेक्सेशन की जो बात है, इंडेक्सेशन की सुविधा आपको तब मिलती है जब आप 3 साल तक म्यूचुअल फंड को होल्ड कर लें। उसके पहले अगर म्यूचुअल फंड किसी डेट फंड में आप निवेश करते हैं तो 3 साल तक आपको जो भी मुनाफा होता है वो आपकी आमदनी में जोड़ दिया जाता है। तो इंडेक्सेशन का फायदा तभी मिलता है जब आप 3 साल तक होल्ड करें। और डेट फंड में जब भी आप निवेश करते हैं, चाहे वो आपका इमरजेंसी फंड हो या कोई शॉर्ट टर्म फंड हो, तो उस नजरिए से मुझे लगता है कि अगर आपके पास एनपीएस अकाउंट है तो टीयर टू का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि वो सबसे कम खर्चीले हैं, उनका रिटर्न बेहतर है और किसी भी तरह का अंतर नहीं। हाँ, अगर आप 3 साल से ज्यादा समय के लिए निवेश कर रहे हैं तब म्यूचुअल फंड की जरूर ये खासियत है कि इंडेक्सेशन के बाद आपको 20% टैक्स देना होता है, जो कि बहुत ही मामूली टैक्स है।